किया जाएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी काफी समय से लामबंद हैं। इसी को लेकर आज बैठक का आयोजन स्थानीय स्वतंत्रता पार्क में किया गया। इस बैठक में सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के ऊपर दबाव बनाना था ताकि वह जल्द से जल्द इन कर्मियों को नियमित करे। वहीं अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता तो समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी आगामी समय में होने वाले कोलारस एवं मुंगावली में मतदान को प्रभावित करेंगे और भाजपा को हराने की भरसक कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट ना दे। ये समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी है और हमारी एक ही मांग है कि हमें सरकार जल्द से जल्द नियमित करे। क्या और आगे अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम होगा आपका? हम मुंगावली और कोलारस दोनों चुनाव को प्रभावित करेंगे और 2018 में बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह भदौरिया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, समस्त कर्मचारियों की तरफ से।